सब लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड नजीर अहमद ने कहा कि हुकूमत भारत के साथ कपास और चीनी की तजारत जरूर करे, मगर इससे पहले भारत को कश्मीर की पहली हैसियत बहाल करना पड़ेगी, हिंदुत्व और आरएसएस की गुंडों को लगाम देना पड़ेगी। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान का तिजारत न करने का फैसला खुशायंद है। इंकलाब का इजहार उन्होंने चौधरी कौसर अली की तरफ से अपनी आयशगाह पर दिए गए जोराने में एक एजाज में दिए गए जोराने से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर लीग रहनुमा साबिक एमपीए राजा शौकत अजीज बट्टी, चौधरी जफर, चौधरी जियाफत, चौधरी आबिद असलम और चौधरी हसन भी मौजूद थे। लॉर्ड नजीर ने मजीद कहा कि तिजारत का शोशा नई अमरीकी इंतजामी और सदर जो बाइडेन ने छोड़ा, भारत के लिए पाकिस्तानी सरहदें महफूज करके भारत की तमाम तवज्जा चीन की सरहदों पर लगाना चाहता है, जिन्हें चीन ने लद्दाख में वो सबक सिखाया कि भारतीय मुद्दतों याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर मेरा और कश्मीरी अली गिलानी का मौकफ एक है, मसला अकवाम मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मसला कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने जो मसला है कश्मीर का हल दिया था वो कश्मीरियों के लिए उमंगों के आग बरस था। मसला कश्मीर के हल के लिए कश्मीरियों को एतमाद में लेना जरूरी है। लॉर्ड नजीर अहमद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कश्मीर के मसले पर एक ही मौकफ रखती हैं, तहम हर एक का अंदाजा जुदादाना है। उन्होंने कहा अंदाज जुदादाना है, कहा कि कश्मीर के मुतालिक भी जो कमेटी बनाई जाए इसमें सिर्फ कश्मीरियों को शामिल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने जो कमेटी बनाई इसमें सिर्फ दो कश्मीरी रहनुमा शामिल है, बाकी तमाम के ताल्लुक मुल्क के दीगर सूबों से हैं जिनको कश्मीर के मामले पर कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि गुजर खान ने मुझे जो इज्जत दी जाती है इस पर मैं आयाम गुजर खान का मशहूर हूँ। चौधरी जफर पगाड़ा ने गुजर खान के मसाइल में दिलचस्पी लेने और इनहाल करने पर लॉर्ड नजीर का शुक्रिया भी अदा किया। आखिर में लॉर्ड नजीर ने चौधरी कौसर अली की पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खिदमात पर इन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया। पुलिस एहलकार और इसकी बीवी पर मुसल्लह अफराद का तशद्दुद मुतासा कांस्टेबल ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके महकमा पुलिस की बैंड बजा दी। लाहौर के इलाके डिफेंस में रास्ता ब्लॉक करके सड़क के दरमियान खड़ी गाड़ी को हॉर्न देने पर सात मुसल्लह अफराद ने सेवन क्लब सीएम हाउस में तैनात पुलिस कांस्टेबल हैदर रजा और इसकी बीवी शहीद आसमा हैदर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कांस्टेबल हैदर रजा की पुलिस यूनिफॉर्म जबकि इसकी बीवी के कपड़े भी फाड़ दिए। 15 पर मुतअद्दिद बार कॉल करने और एक घंटा गुजरते बावजूद पुलिस मौके पर ना पहुंची तो भी बच्चों के हमरा पीटने वाले बेजारों मददगार मुतासा कांस्टेबल ने मोबाइल पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करके महकमा पुलिस की बैंड बजा दी और पुलिस रवैयों कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कांस्टेबल की वीडियो मीडिया पर चलने पर सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने वाकये का नोटिस लिया, जिसके बाद डिफेंस भी पुलिस ने कांस्टेबल हैदर रजा को बीवी सईदा आसमा हैदर की मुदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर के मुताबिक मुलजमान का कहना था कि हम मंशा सिंधु के भतीजे हैं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हॉर्न देने की। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की शिनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज और सेफ्टी कैमरों से मदद ली जा रही है और मुलजमान गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई। मुताबिक मुलजमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। और गांव हेला कालरा में मुकामी जमींदार की मेहंदी की तकरीब के दौरान मंजरे शदीद हवाई फायरिंग कर दिए। गोलियों की थरथराहट से पूरा गांव गूंज रहा, जिससे मुकामी अफराद में खौफ-ए-रास फैल गया। मंजरों की जदीद ऑटोमेटिक असले से फायरिंग करने की फुटेज 26 न्यूज ने हासिल कर ली। नौजवान को जदीद असले से फायरिंग करते देखा जा सकता है। वाजिर है कि हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद है, मगर पुलिस की चश्मपोशी के बायस हवाई फायरिंग रोजमर्रा का मामूल बन गई है। तो कलर वाली की बस्ती माहीवाड़ा में कुएं की खुदाई के दौरान तीन मजदूर मट्टी तले दब गए, जिसमें से एक मजदूर अदरीस को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि दो मजदूर 26 साल जाहिर और 45 साल नायतुल्ला जाबहक हो गए। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद दो अफराद की लाशें निकाल ली गयी। और अफसोस का खबर दें कि आपको व्यवहारी के इलाके मरला स्कीम से 12 साल बच्चे को वापटर के दावों से करंट लग गया। रेस्क्यू डबल व्यवहारी को इतना मिलते ही एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू व्हीकल रवाना कर दिए गए। 12 साल बच्चा पतंग उतारने के लिए पोल पर चढ़ा था कि बिजली के तारों के साथ करंट लगने से साथ ही चक्कर किया। वापटर के ऑफ करने के बाद बच्चे को रेस्क्यू किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बाबू लंगर मोहम्मद जफर गुलजार का ईसर के मौके पर चिश्तिया वकड़ाबाग चर्च का दौरा किया। डीपीओ ने ईसर के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डीपीओ ने ईसर के हवाले से मसीही बरादरी से अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, मसीही भाई हमारे पुरअमन शहरी है, मसीही भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक है। ईसर के मौके पर जिला भर में 500 से जायद अफसरान और जवान ड्यूटी दे रहे हैं। मसीही भाइयों की जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। और एसएसपी मीरपुर खास फैसल बशीर मेहमद ने क्रिस्टल डे पर जूती चर्च और योहाना चर्च में शिरकत की। क्रिसमस बराबरी के साथ मिलकर उनका दिन मनाया।
मजीद तफसीलात फुरम कादरी की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस मौके पर एसएसपी मीरपुर खास का कहना था कि मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी में मसीह बिरादरी का अहम किरदार रहा है। हमारे मुल्क में अकलियतों को बराबरी के हकूक हासिल हैं और महकमा पुलिस व पाकिस्तानी आवाम इनकी खुशियों में बराबर की शरीक है। इस मौके पर चर्च के फादर और मुंतजमीन की तरफ से एसएसपी मीरपुर खास को सिंह का रिवायती तोहफा अजरक पेश की गयी।